सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग करने वाले हैं स्प्लेंडर की स्पीड टेस्ट। और ये मेरा जो हेलमेट का माउंट था मोटो व्लॉगिंग का, ये टूटा हुआ था, ये मैंने अभी सही कर लिया है। तो इसे लगा करके और स्प्लेंडर की स्पीड टेस्ट करते हैं। तो अभी रोड के ऊपर चलते हैं, वहाँ चल करके इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं। तो चलिए गाइज। गाइज, अभी फिलहाल हम लोग आ गए हैं रोड के ऊपर बाइक की स्पीड टेस्ट करने के लिए। और यहाँ से बाइक को दौड़ाते हैं और इसकी स्पीड देखते हैं कितनी होती है। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। अरे अरे, ये कुत्ता कहाँ से आ गया बीच में, मौसम तोड़ दिया। चलो गाइस, फिर से ट्राई करते हैं अभी। गाइस फिलहाल आप लोग देख सकते हो इसकी फोर्थ गियर में स्पीड 90 की स्पीड तक गई है ये बाइक। ज़्यादा खास तो रिस्पॉन्स नहीं है, मैंने सोचा था कि 95 के लगभग चली जाएगी, पर उतना नहीं हुआ, ये सिर्फ 90 तक ही गई है अभी। अभी गाइस ट्राई करते हैं कि ये फर्स्ट गियर में कितनी स्पीड पकड़ती है, सेकंड में कितनी, थर्ड में कितनी और फोर्थ में कितनी। तो चलिए अभी ये स्टार्ट करते हैं। बस फर्स्ट गियर में बाइक 30 की स्पीड में चल रही है और ये भाई सेकंड गियर डाल दिया। सेकंड गियर में गाइस बाइक 50 की स्पीड पे आ गई है और अभी ये थर्ड गियर लगा दिया। थर्ड गियर में बाइक आ गई अपनी 70 की स्पीड पर। और अब तो ये फोर्थ गियर लगा दिया, इसमें तो वही 90 जानी है। ये फोर्थ गियर में गाइस आ गई अपनी 90 की स्पीड। तो गाइज, हमने स्प्लेंडर की स्पीड टेस्ट कर ली, ज़्यादा अच्छा रिस्पांस तो नहीं रहा। ये फोर्थ गियर में सिर्फ 90 की स्पीड तक ही गई, मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी। टेस्ट करके देखा कि कौन से गियर में कितनी की स्पीड ये चलती है। तो अभी आप लोगों को दिखा दी, इसका थोड़ा बहुत काम भी मेरे को लगता है करवाना पड़ेगा, जिससे कि इसकी स्पीड थोड़ी ठीक हो जाए। फिल्टर वगैरह कुछ भी इसमें चेंज करवाना पड़ेगा, जिससे कि पावर बढ़े। तो गाइस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा करेंगे जिससे इसकी पावर बढ़े। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।